नवरात्रि में पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं पीएम मोदी, डाइट जानकर ओबामा ने भी जताई थी हैरानी। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन का उल्लास देश भर में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज 69 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वरनगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ था। नरेंद्र मोदी 5 भाई बहनों में से दूसरे नंबर की संतान हैं। बचपन में उनके घर की हालत सही नहीं थी और इसके लिए उनके पिता को वाडकर रेलवे स्टेशन पर चाय तक बेचनी पड़ी थी। इसमें नरेंद्र मोदी भी मदद करते थे और ट्रेन में उन्होंने भी चाय बेची। देखते ही देखते कब एक चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री बन गया पता ही नहीं चला। मोदी ने आज देश की छवि भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने बदल कर रख दी है। मोदी बेहद कड़ी मेहनत करते हैं और इसके चलते ही वे 69 साल की उम्र में भी काफी फिट हैं। हर कोई उन्हें देखकर यही सोचता है कि आखिर वे कैसे अपने को तरोताजा रखते हुए दिन रात की भाग दौड़ कर लेते हैं। दरअसल मोदी अपनी कड़ी डाइट और प्रतिदिन योग समेत दूसरी एक्सरसाइज के जरिए अपने आप को तरोताजा रखते हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि मोदी हर साल नवरात्रि में पूरे 9 दिन उपवास रखना पसंद करते हैं। इस दौरान वे सिर्फ पानी या फिर थोड़े बहुत फल फूल खाना पसंद करते हैं। नवरात्र में उनका यह डाइट चार्ट बीते कई वर्षों से निरंतर जारी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी वर्ष सितंबर 2014 को जब अमेरिका की यात्रा पर गए थे तब भी इसी डाइट का उन्होंने पालन किया था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे उस वक्त अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। उन्होंने व्हाइट हाउस में नरेंद्र मोदी के सम्मान में शानदार दावत रखी थी, लेकिन मोदी ने उस वक्त भी अपने उपवास का पालन किया था। दरअसल जब मोदी अमेरिका दौरे गए थे तब हमारे देश में नवरात्रि चल रही थी। नवरात्रि में मोदी पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं। दावत के दौरान मोदी ने सिर्फ नींबू पानी पिया था। यह सब देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी हैरान हो गए थे। ओबामा ने भी मोदी के उपवास की तारीफ की थी।